मेरे बचने के अब बस दो ही रास्ते हैं, आईसीयू और आईसीयू। या तो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हो जाऊं, या फिर तुम्हें देख लूं, आईसीयू। पापा शादी करा देंगे अगर तुम्हारी जॉब लगती है तो। हाय हाय, कैसे हो तुम? आई एम गुड। पता है मेरे एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे रिटेन भी अच्छे हुए, मेरे इंटरव्यू अच्छे हुए, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? मेरा ना रिटेन अच्छा हुआ है और ना ही इंटरव्यू अच्छा हुआ है। मुझे नहीं लगता मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। कम ऑन यार, डोंट बी सो सैड। तुम्हारा तो रिजर्वेशन में भी हो जाएगा। टेंशन तो मुझे लेने चाहिए, आई एम नॉट रिजर्व। आंसुओं से भरी जिंदगी ये मेरी, तेरे ही गम में क्यों डबडबाई है? सामने है तू मेरे, फिर भी छाए अंधेरे आँख मेरी ये क्यों? क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? बोलो। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? मम्मा मेरी रिजल्ट अच्छी नहीं आई। वो तो मैं जानती थी, बस अब छोड़ो पढ़ाई लिखाई, बहुत हो गया। अपने ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ और चूल्हा चाकी ये सब अच्छे से कर लो, वही बहुत काफी है। क्या मम्मी, क्यों श्रेया को डांटती रहती हो? जब जॉब लगनी होगी तब लग जाएगी। श्रेया की आज जॉब नहीं लग रही है, कल लग जाएगी। Earth wants water, flower wants you. I want nothing but a smile from you. Sharp is your memory, sweet is your name. Deep in my heart, you will always remain. You know what? I love you to the point of extreme madness from the core of my heart. मेरी government job लग गई है, पता है? क्या? हाथों में मेहंदी रचा कर रखना, हम बारात लेकर आने वाले हैं। I'm coming to your home, baby. उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई माँ, देव की गवर्नमेंट जॉब लग गई। सुन लो, बहुत हो गई, पढ़ाई लिखाई की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी तिवारी जी के बेटे के साथ तय कर दी है, जो कि इसी साल होनी है, और मुझे रिजर्व दामाद नहीं, मुझे डिजर्व दामाद चाहिए। मोहसिन भाई, ये लीजिए भाई, मिठाई खाइए, अब उनकी जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब। तो कौन सा तीर मार लिए, रिजर्वेशन में तो जॉब लगी है। ये देखो, इसकी भी लगी थी, बेचारा पियक्कड़ हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई इसकी। तुम्हें रिजर्व नहीं डिजर्व होना चाहिए। मैं ऐसे चाय फेंक दूंगा सर पे, फिर डिजर्व डिजर्व समझ में आ जाएगा आपको। तेरी भी जाएगी, छोड़ के जाएगी तेरी भी। हट। अरे गवर्नमेंट जॉब लग गई। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मिठाई खाने की। ये लो मिठाई खानी है ना तुम्हें, लो खाओ, मुझे नहीं खानी तुम्हारी मिठाई। क्यों आए हो तुम, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी मिठाई खाने की, बस यहाँ से तुम चले जाओ, तुमको देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे जैसे लोग जानते हो कितना तकलीफ होता है, दिन रात मेहनत करने से 90% लाने के बावजूद भी यहाँ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। तुम क्या जानो मेरी प्रॉब्लम क्या है? मम्मी मेरा शादी करा देगी, इस जॉब के लिए दिन रात मेहनत की थी। तुमने कहा था तुम्हारा एग्जाम अच्छा भी नहीं हुआ, फिर भी तुमको जॉब मिली, और यहाँ से 90% लाने के बावजूद भी जॉब नहीं मिली, और तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर देव, बस तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देखना ही नहीं चाहती। प्लीज, हम लोग यहाँ 1000 rupees का फॉर्म खरीदते हैं, लेकिन तुम लोगों को हर चीज फ्री में मिलती है। पता है हम लोग कितना स्ट्रगल करते हैं? तुम्हें क्या पता लाइफ में कितने स्ट्रगल होते हैं जनरल पीपल लोगों के लिए? तुम लोगों का क्या है, जब तुम लोगों को आन बान शान चाहिए तो सिंह और ठाकुर टाइटल ले लेते हो, बट हम लोगों को जब प्रॉब्लम होता है
और जब तुम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए तो लोअर कास्ट का टाइटल लेकर घूमते हो, वी आर लोअर कास्ट, वी आर लोअर कास्ट, वी आर लोअर कास्ट। श्रेया, वो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बस इतना बोल दो कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे भूल जाओ प्लीज। क्या चाहिए तुम्हें? नो रिजर्वेशन। सर आपकी मदद चाहिए सर, मुझे मंत्री जी से मिलना है सर, मुझे मंत्री जी से मिलना है, मुझे अपने सारे दुख बताने हैं। I have lost my girlfriend, I have lost my dignity, I have lost my self-respect, I have lost each and everything। केवल आप मुझे मंत्री जी से मिला सकते हैं सर, केवल आप। मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब वॉब नहीं चाहिए भाई, मैं तंग आ चुका हूँ, सारा चीज का नुकसान हो गया मेरा, पता है आपको। प्लीज आप मुझे मंत्री जी से मिला दीजिए। चलिए यहाँ से, मुझे जाना है। मुझे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, चल भाग यहाँ से। नो रिजर्वेशन। निकल निकल। नो रिजर्वेशन। निकलता है कि जेल में डाल तन्ने। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्या आप लोगों ने बना रखा है फिर राइट टू इक्वालिटी? संविधान में क्यों लिखा है फिर आप लोगों ने राइट इक्वालिटी? कौन है बराबर? कोई तो बराबर नहीं है। मुझे जॉब नहीं चाहिए, 50% लाया, मेरा सिलेक्शन हो गया, उसने 70% लाया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या बना रखा है आप लोगों ने? मुझे मंत्री जी से मिलना है यार। निकलो यहाँ से, आइंदा देखना मत। मदद करते हैं कि नहीं आप? रिजर्वेशन 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 लगा रखे हैं। क्या है ये रिजर्वेशन? कोई नहीं मदद कर सकता मेरी। भाई मंत्री जी से मिलना है यार। क्या बात कर रहे हो, मंत्री जी से मिलना है? बहुत जरूरी काम है यार, मिला दो यार। मिला नहीं सकता भाई, सामने वाला घर है मंत्री जी का, वो देखो। कहाँ? यहाँ रहते हैं। वहाँ पर। कौन सा? वो देखो, गाड़ी निकल रही। पक्का? पक्का पक्का। वो देखो, मैंने कोशिश की। उठो उठो। मेरे बचने की अब बस
दो ही रास्ते हैं, आईसीयू और आईसीयू। या तो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हो जाऊं या फिर तुम्हें देख लूं। आई सी यू। Minister, thanks for sending my request to Parliament for no reservation. Thanks and regards, Princess Kajal, Kajal Music Team. या तो मैं हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती हो जाऊं या फिर तुम्हें